ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವದ ಆವಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ಲೋಗೋ ನೇ 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा बेटा तो कैसा होता है, घर कैसे चलेगा? मत ना ओवरी यूरी गंत अल्ला, यार दे मगा नालायक विद्रु मने नर्सली का गला, होता है फ्रस्ट्रेटेड है, मानसिक दिवालियेपन के कगार पर खड़ी है और ये डेस्परेट है, इसलिए भाषा का संयम समाप्त हो गया है और हमारे वरिष्ठ नेता मोदी जी, वरिष्ठतम नेता को जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो बताता है कि वो बौखला गए हैं। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जिस तरीके की भाषा बोलते हैं उनको खुश करने के लिए ये सब लोग लगे हैं। बार बार चुनावों में हार और कांग्रेस की बौखलाहट, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है मोदी जी को अपमानित करने की, अपशब्द कहने की, गालियां निकालने की। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी से लेकर उनके अब तक के अध्यक्ष कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहते हैं, कभी बिच्छू कहते हैं, कोई सांप कहता है, कोई कुछ भी अभद्र भाषा का उपयोग करता है। कोई कहता है इसकी मौत मरेगा, उसकी मौत मरेगा, कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खोदेगी। ऐसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के प्रति, जो देश की जनता ने जिनको बार बार देश का प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से बनाया और कांग्रेस को यह हजम नहीं हो पा रहा। पिछड़े समाज का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है, मोदी जी को गाली निकालना कांग्रेस की आदत बन गई है। फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं, आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और
और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे।